तो कैसे हैं, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने और दो मिनट में करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज आपका नेक्स्ट वीडियो आज आरबीआई के ऊपर। आरबीआई की मौद्रिक नीति की जो कमेटी है उसकी बैठक हुई है कल और उसने कुछ घोषणाएं की हैं। पेपर में लगातार क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट इस वीडियो में आरबीआई से रिलेटेड ये जो मॉनिटरी पॉलिसी का है समझा देता हूँ। आरबीआई जो है मौद्रिक नीति देश की निर्धारित करती है, देश का सेंट्रल बैंक है और 2016 से पहले ये अधिकार सिर्फ गवर्नर के पास था, गवर्नर ही मॉनिटरी पॉलिसी को जारी करते थे। लेकिन 2016 जनवरी से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है ना, जिसमें 6 लोग होते हैं। इन 6 लोगों में 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इनका कोलेटरी डिसीजन जो होता है वो मॉनिटरी पॉलिसी के रूप में आता है। मॉनिटरी पॉलिसी हर 2 महीने में अपनी जो नीतियां हैं वो निर्धारित करती है या कोई अमेंडमेंट होता है वो करती है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम साल में 4 बार उन्हें करना ही करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर 2 महीने में ही लाएँ, लेकिन साल में 4 बार उनकी बैठक जरूर होगी, ये नियम है। अब मौद्रिक नीति में कुछ की पैरामीटर्स होते हैं जिसमें बदलाव किया जाता है या अर्थव्यवस्था की गति को देख के उसमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं, नहीं भी लाने होते जो उनको सही लगे। तो अभी जो कल बैठक हुई है उसमें एक बड़ा बदलाव लाया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट फिर घटा दिया गया है और अब रेपो रेट आ गया है आपका 5.15 पे। ये बड़ा है, ये बड़ी चीज़ है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी के अगेंस्ट में मनी लेंड करती है कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और ये रेट डिक्रीज होने का मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी, मार्केट में तरलता और बढ़ेगी, जो मार्केट की सुस्ती है उसमें लिक्विडिटी का प्रभाव की वजह से कोई समस्या ना आए इसलिए। उसके बाद उन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों को बोर्ड के लिए बोला कि वो कोलैप्स नहीं हो पाएंगे, उसके लिए वो मेजर्स कर रहे हैं, मेजर उठा रहे हैं, जो पीएमसी बैंक की घटना हुई है। उसके बाद ग्रोथ का प्रोडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जीडीपी का ग्रोथ का प्रोडिक्शन 6.1% कर दिया उन्होंने, पहले ये 6.9% का रखा था। तो ये निश्चित है कि अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन बहुत तेज़ी से आया हुआ है और लगभग 0.8% की एस्टिमेशन, लो एस्टिमेशन दर्ज करने की बात कही है ग्रोथ के मामले में। उसके बाद बैंकिंग की जो सर्विसेज होती है एनईएफटी, उसको 24 आवर्स करने की बात की गई कि एनईएफटी अब शायद 24 आवर्स हो सकता है, पहले ये बैंकिंग आवर्स में ही होता था। तो अब एनईएफटी की जो सुविधा है, जो पैसे ट्रांसफ़र करने की, वो भी 24 घंटे आपको मिलेगी। इसके बाद जो अभी जो की पैरामीटर्स जिसमें चेंज नहीं हुआ है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो 4% पे ही है। कैश रिजर्व रेशो मतलब वो इतना अमाउंट जो कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है ना, इतना परसेंट हर बैंक को आरबीआई के पास जमा करा कर रखना था सीआरआर। एसएलआर वो स्टैचुरी लेंडिंग लिक्विडिटी रेशियो, मतलब इतना पैसा अपने टोटल कॉर्पस का, अपने टोटल कैपिटल का लिक्विडिटी के फॉर्म में, तरलता के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में हर बैंक को रखना होता है, ये वो रेशियो है, ये वो परसेंट है। बैंक रेट वो है जिस पे कि एक प्रकार से इसको डिस्काउंट रेट ही बोला जाता है, बैंक रेट जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को मनी लेंड करता है ना। ये रेपो रेट से अलग होता है, रेपो रेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लैंड करती है और ये कमर्शियली मनी लैंड करते हैं। 5.65% का ये रेट है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि बैंक अपने सबसे जो बेस्ट ग्राहक होते हैं उसको ये रेट देती है, इससे नीचे वो किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करती है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है। जिस रेट पर बैंक खुद बोरिंग करती है उस रेट पर अपने ग्राहकों को प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये मिनिमम रेट होता है जिस पे कि बैंक किसी ग्राहक को लोन प्रोवाइड करे, अपने बेस्ट ग्राहक को, अदरवाइज इससे ऊपर ही लोन प्रोवाइड होता है। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट 5.115% ही है। रिवर्स रेपो रेट मतलब जिस रेट पर आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, आरबीआई लोन लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। मेन क्वेश्चन रेपो रेट का था जो कि 5.15% आ गया। आरबीआई के द्वारा भारत की ग्रोथ के बारे में बात थी जो कि 6.1% आ गई है। एनईएफटी के ऊपर थी जो कि 24 आवर्स करने की बात की जा रही है, ग्रोथ एस्टिमेशन घट रहा है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी के जो सदस्य हैं वो किस रूप में आते हैं, 6 लोगों की कमेटी है, साल में 6 बार एक प्रकार से इनकी बैठकें होती हैं, मिनिमम 4 बार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।